नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आई कैन डू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिलायंस जियो धन धनाधर ऑफर अब खत्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि भाई आगे क्या करना होगा। जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जियो धन धनाधर ऑफर 30 जून को खत्म हो चुका है। इस ऑफर के तहत जियो प्राइम मेंबर को फ्री सेवाएं दी जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 408 रुपये अर्थात 309+99 का रिचार्ज कराया था, उन्हें 3 महीना के लिए यह सेवाएं फ्री दी जा रही थी। अब ये सर्विसेज 30 जून को खत्म हो चुकी है, तो अगला रिचार्ज हमें अगस्त में ही क्यों कराना होगा? इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल, जब प्राइम यूजर ने धन धनाधन ऑफर के तहत 309 रुपये का रिचार्ज कराया था, तब से उन्हें 3 महीने के लिए फ्री सर्विसेज दी जा रही थी। ये सर्विसेज 30 जून को खत्म हो गई है। उस समय 309 रुपये वाला रिचार्ज एक्टिवेट नहीं किया गया था। ऐसे में अब 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यह प्लान एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह जियो प्लान को चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है, माई जियो ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लॉग इन या साइन इन हो जाइए। साइन इन होने के बाद सिंपली आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको माई प्लान पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको वहां पे ये दिखा दिया जाएगा आपका ऑफर कब एक्सपायर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा तरीका है, jio.com पे जाएं। वहाँ पे आप अपना जियो का नंबर एंटर कीजिए और उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को इस पे डालिए, और वहाँ से आप जियो का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने प्लान चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।